ऐसे इतने माशी मसाइल हैं, क्या हो रहा है कराची कराची में, उनका ऑपरेशन होने की वजह क्या है, क्यों ना इंसाफियाँ हो रही है, बेचारे भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं, बहुत खाने कमाने वाले कहाँ जाएंगे आप फरमाइए। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा हिडन हैंड है जो ये फैसला कर चुका है कि ये जो है वो आवाम को सड़कों पे अब बिल्कुल लावा पक चुका है, और ऐसे मुसलसल रोज़ाना नया इकदाम ऐसा उठा लिया जाता है जिससे लोगों का को जो है ना वो बाहर निकलने पे सड़कों पे निकलने पे, तो अब वक्त आ गया है, इसलिए कि आज एक और सयाह दिन है कराची की तारीख का। ये एक इतनी बड़ी मार्केट जहाँ 450 दुकानदार हैं, उनकी फैमिलीज हैं, हज़ारों मुतासरीन हैं इसके अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बहुत मौजूद हैं, पूरे सुप्रीम कोर्ट भरी पड़ी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले जो महाजिर इलाकों के मुतालिक होते हैं, जहाँ महाजिर दुकानदार होते हैं, जहाँ महाजिर मार्केटें होती हैं, उन पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया जाता है, ये नाइंसाफ़ी जो है ना इसमें सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करता हूँ, हम उनसे अपील करता हूँ कि भाई ये आप इनकी दरख्वास्त को सुने, इस तोड़फोड़ को फौरी तौर से रुकवाएं, और इनको ये लोग लीज्ड हैं, इन्होंने ये दुकानें पैसे दे के ख़रीदी हैं, अगर आपको कोई इस बात पर एतराज़ है इनके कानूनी नुकते पर, तो इसको कल तोड़ कर भी इसको आप लोग बेचेंगे, फिर इसको तोड़ के उसी सिंध हुकूमत के हवाले करेंगे जो इसको बेचेगी, तो अगर आपको कोई पैसे भी लेने थे, कोई इरेगुलरिटी कहीं हो भी गई थी, अगर बड़ी गाला की इरेगुलरिटी दूर हो सकती है, तो इन दुकानदारों की इरेगुलरिटी भी दूर की जा सकती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप अगर कहीं इरेगुलरिटी है, चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हो, हम इन मुतासरीन के साथ खड़े, यहाँ मेरे साथ यहाँ यूनियन के लोग खड़े हुए हैं, ये लोग सब मुतासिर हुए हैं, इनका सारा कारोबार तबाह हो गया है, खुदारा कराची वालों के साथ ये जुल्म ना करो। चीफ जस्टिस साहब, हमें उम्मीद थी कि आपके चीफ जस्टिस बनने के बाद शायद कराची वालों के साथ कोई इंसाफ होगा, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ज्यादती हो रही है, आप कोई नोटिस कोटा सिस्टम का नहीं लेते, आप कोई नोटिस मर्दम चुमारी का नहीं लेते, आप कोई नोटिस कराची की गलत हल्का बंदियों का नहीं लेते, आप कोई नोटिस महाजिर फॉर्म पे होने वाले मजालिम का नहीं लेते, बच्चों के जो दाखिले मुलाजमत है और उनकी जिंदगियां उजीरन बनाई है उसका नोटिस क्यों नहीं लेते, आप इसको फौरी तौर से इसको तोड़फोड़ को रोकें और इन मुतासरीन के मसले को हल करें।